इंदौर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इंदौर में पुलिस प्रशासन द्वारा कल से ही सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके अंतर्गत बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को भी पुलिस प्रशासन की सख्ती शहर में देखी गई, जिसमें अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेजा। वहीं कुछ लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए मास्क नहीं लगाए गए थे, उनके खिलाफ भी नगर निगम के अमले ने चालानी कार्यवाही की। वहीं रास्ते से गुजर रहे नगर निगम के वाहन के ड्राइवर द्वारा मास्क नहीं लगाने पर उसके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की गई। माननीय जिला जी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार हमारे द्वारा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर में, उन लोग के चालान कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में जो प्रतिबंधित चीजें हैं, जैसे मच्छी है या मांस है, इस टाइप का भी अगर कुछ हमको चेकिंग के दौरान मिलता है तो उसकी भी जब्ती कर रहे हैं और उनकी चालान कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जो अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं उन लोग को भी हम लोग अस्थायी जेल भेज रहे हैं। अभी तक लगभग यहाँ से हमने 50 लोगों को अस्थायी जेल आज भेजा है। एक निगम के कर्मचारी का भी किसका जोन 11 के जोन अधिकारी हैं, उनके ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना था, उस पर भी चालान कार्रवाई की गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस प्रशासन द्वारा इसी तरह की कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू के पालन के लिए सख्ती करना शुरू कर दी है। अब 30 अप्रैल तक इसी तरह की सख्ती पुलिस प्रशासन द्वारा जारी रहेगी, जिसके अंतर्गत सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा है।